संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडुरना, नर्सरी से कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में नर्सरी से कक्षा 7वीं तक प्रवेश प्रारंभ, 11वीं में पाए गणित, जीव विज्ञान, कृषि और कॉमर्स संकाय में प्रवेश। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार, धर्म, समाज और खेलकूद गतिविधियों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र स्थान। विद्यालय की सुविधाएं, विशाल भवन, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, अटल टिंकरिंग लैब, कैंपस कवर्ड विद सिक्योरिटी। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश हेतु संपर्क करें सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शंकर नगर, पारडी रोड, पांडुरना। भाजपा के जिला कार्यालय के लिए भूमि आवंटन मामले में शनिवार को भारतीय गोंडवाना पार्टी ने SDM कार्यालय पहुंचकर अपनी आपत्ति लगाई। समाज के पदाधिकारियों का कहना था कि इस भूमि को वन विभाग को सौंपा गया है। जिला बनने के बाद जिला वन अधिकारी कार्यालय से लेकर SDO वन विभाग कार्यालय निर्माण के लिए इस भूमि की जरूरत पड़ेगी। आदिवासी समाज भवन के लिए वर्ष 2015 से लगातार मांग की जा रही है। रेलवे स्टेशन की भूमि को आवंटित करने की भी मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने भाजपा को जमीन आवंटित करने की जल्दी दिखाई दे रही है। समाज के कृष्ण कुमार बर्डे, संजय परतेती, चुन्नीलाल कवड़ेती, श्यामराव कवड़ेती, विनोद गजबीये, अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक आदिवासी समाज को भवन के लिए भूमि आवंटित नहीं हो जाती, तब तक किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए हम भूमि आवंटित नहीं होने देंगे। ये बीजेपी कार्यालय को जो जमीन अलॉटमेंट हो रही है, उसकी आपत्ति हम पेश करते हैं। इसके पहले 2015 में आदिवासी भवन के लिए जमीन अलॉटमेंट की गई थी, पूर्ण रूप से कार्रवाई की गई थी। ये जज न्यायाधीश के बंगलों के किनारे जहाँ पे बड़ा देव स्थापित है, वो जमीन आज तक के, जबकि उसकी पूर्ण कार्रवाई पूर्ण हो चुके, किसी की कोई दावे आपत्ति नहीं है, उसके बावजूद भी आज तक के शासन प्रशासन द्वारा समाज को भूमि अलॉटमेंट नहीं की जा रही। बस तो हमारा यही कहना है कि उनको यदि वो जमीन दी जाती है तो पहले हमारा निराकरण कर दे, उसके बाद हमें उसको दिया। कृषि उपज मंडी परिसर में शनिवार को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा भारत सरकार की केंद्रीय ADP योजना के अंतर्गत सहायक अंग कृत्रिम उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शिविर में 7 मोटराइज्ड ट्राइसिकल, 22 व्हीलचेयर, 29 हैंड प्रोपेल्ड ट्राइसिकल, 1 स्मार्टफोन, 20 बैसाखी और 29 छड़ियों के साथ ही 14 स्मार्ट कैन, श्रवण यंत्र, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद ने दिव्यांगों को हार पहनाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। कार्यक्रम में भाजपा की जिला अध्यक्ष वैशाली महाले, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोळ, CEO ललित चौधरी और अन्य अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। जयंत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सबसे पहले मोदी जी ने कोई काम किया तो हमारे विकलांग साथी को नाम दिया दिव्यांग। दिव्यांग का मतलब होता है जिसके पास दिव्य अंग हो, और जहाँ दिव्य अंग होंगे वहाँ ईश्वर निवास करते हैं, और जहाँ ईश्वर निवास करते हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, उनको पूजना हमारा धर्म है। राजस्व महाअभियान में पांडुरना जिले को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पटवारियों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी को लेकर अब शासन से वेतन बढ़ाने की मांग रखी है। पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर कहा कि इस अभियान में सिर्फ पटवारियों ने सक्रियता से काम किया है, जबकि पटवारियों पर तहसीलदार, SDM, भू अभिलेख अधीक्षक, अपर कलेक्टर, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, आयुक्त भू अभिलेख और प्रमुख सचिव तक की मॉनिटरिंग हो रही थी। इस अभियान को पूरी तरह से पटवारियों ने सफल बनाया। अभियान के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा था कि अभियान को सफल बनाओ, सारी मांगे पूरी की जाएंगी, परंतु पटवारियों की मांगे जस की तस बनी हुई है। पटवारियों ने मांग की कि एक अभियान पटवारियों के लिए भी चलाया जाए, जिससे लगे कि शासन केवल घोषणा ही नहीं करता। पटवारियों ने 7 सूत्रीय मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में तहसील अध्यक्ष गुलाब डिगरसे के साथ सभी पटवारी उपस्थित थे। 11 वर्षों से छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुरना के होनहार विद्यार्थियों की पहली पसंद रही सबसे प्रसिद्ध मिडास कोचिंग संस्था अब पांडुरना में शुरू हो चुकी है। IIT, JEE और NEET मेडिकल परीक्षा में अपने परिणामों के लिए पहचाने जाने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें हर साल 15 से 20 बच्चों को IIT, IIIT, NIT, आइजर, IIST जैसे बड़े बड़े संस्थानों में चयन होता आया है। MBBS, BDS, BAMS, BHMS जैसे बड़े संस्थानों में चयन कराने वाली एकमात्र संस्था, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कोचिंग पढ़ाई जाएगी। पांडुरना में कक्षा 8वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिडास कोचिंग संस्थान का एक महीने का फ्री समर कैंप शुरू हो चुका है।
प्रवेश पाने और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7004455253 पर।